तो हाँ दोस्तों, आज के समय हर कोई चाहता है कि उसके स्मार्टफोन में कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाए, वो भी कम से कम प्राइस के अंदर में। तो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए टॉप 3 बेस्ट कैमरा फ़ोन फाइंड आउट किए हैं 15,000 के अंदर में, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिल जाएगा और मल्टीमीडिया वॉच करने के लिए 90 हर्ट्ज वाले सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाएगी, और हैवी गेमिंग के लिए आपको पावरफुल गेमिंग चिपसेट मिल जाएगा और लंबे देर तक चलने वाली बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी और फास्ट चार्जर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैंने इन सारे फ़ोन्स को रैंक वाइज ऑर्डर नहीं किया है, क्योंकि सारे के सारे फ़ोन अपने प्राइसिंग पे बेस्ट है। आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे स्मार्टफोन यूज़र हैं जिनको 15,000 के अंदर में एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन बाय करना है, तो उन लोगों को मैं 15,000 के अंदर में सैमसंग A14 5G को स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले इसके कुछ बेसिक फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। तो ये फ़ोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है जो टेक्स्चर डिज़ाइन के साथ आता है, और इसका वेट 202 ग्राम है और इसकी थिकनेस 9.1 mm की, जिससे ये फ़ोन आपको यूज़ करने में थोड़ा सा हैवी फील और मोटा लगने वाला है। और इसमें आप 2 सिम कार्ड, 1 माइक्रो एसडी कार्ड एक ही टाइम पे यूज कर पाओगे, और इसमें आपको 5G के टोटल 10 बैंड्स दिए गए हैं, और इसमें आपको हेडफोन जैक और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं इसके मेजर स्पेसिफिकेशन के बारे में, और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें सैमसंग J1 का कैमरा सेंसर लगा है, और वही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है जो किसी काम के नहीं होते हैं। और फ्रंट फेस कैमरा में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है, और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इसका मैक्रो और डेप्थ कैमरा सेंसर किसी काम का तो नहीं है, बट इसका मेन कैमरा काफी अच्छा काम करता है, जो आपको काफी नेचुरल और शार्प पिक्चर्स और वीडियो प्रोवाइड करा देगा, और इसकी सेल्फी भी अच्छी काम करती है जो स्किन टोन को अच्छे से कैप्चर कर लेती है। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और ये फोन 15 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है, बट वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स के अंदर एडाप्टर नहीं दिया गया है। और इसके चिपसेट की बात करें तो आपको इसमें एक्जिनोस 1330 का 5G चिपसेट दिया गया, जो एक 5nm बेस्ड प्रोसेसर है जिसका एंथोनी स्कोर 4 लाख के अबव देखने को मिल जाता है। वैसे तो सैमसंग के फोन गेमिंग फोन तो नहीं होते, बट आप इसके ऊपर कोई भी गेम को मीडियम टू हाई सेटिंग पे इजीली रन कर पाओगे बिना को लैग फील कर पाए। और इसके डिस्प्ले पे आए तो आपको इसमें 6.6 इंचेस की FHD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई, जिस पे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और 450 नीट्स की पीक ब्राइटनेस पे दी गई है। ऑल ओवर इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है, और 90 हर्ट्ज पे काफी स्मूथ और स्टेबल काम करता है, बट इसके डिस्प्ले में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लगी, और इसमें आपको यू नॉच भी दिया गया जो काफी डिसअपॉइंटिंग है। तो गाइस, यदि आपको 15,000 के अंदर में एक सैमसंग का फोन लेना है तो इस फोन को आप जरूर बाय कर सकते हो, और इसके 664 का प्राइस 15,000 पड़ता है बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद। और यदि आप ऑफर अप्लाई नहीं कर सकते तो आप सैमसंग F23 5G को बाय कर सकते हो 15,000 के अंदर में। तो गाइस चलिए अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन रियलमी 9 4G के बारे में। तो इस फोन का वेट 178 ग्राम है, और इसकी थिकनेस 7.99 mm के, तो ये फोन काफी हल्का और स्लिम है, और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है। और ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है, और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें हेडफोन जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है, और आप इसमें 2 सिम कार्ड, 1 माइक्रो एसडी कार्ड एक ही टाइम पे यूज कर पाओगे, और सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मेजर स्पेसिफिकेशन के बारे में, और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जिसमें सैमसंग HM6 का कैमरा सेंसर लगा है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। और फ्रंट फेस कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है, और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें डुअल मोड, ब्लॉक मोड, सुपर नाइट मोड, HDR, ब्यूटी मोड, स्लो मोशन जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जर को, जो इस डिवाइस को 1 घंटा
घंटा 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके चिपसेट पे आए तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 680 का 6 NM बेस 4G चिपसेट दिया गया है, जिसका एंथ्री स्कोर 250,000 के अबव देखने को मिल जाता है। मैं इस प्रोसेसर को आपको एक्सट्रीम गेमिंग के लिए रेकमेंड तो नहीं कर सकता, बट आप इसके ऊपर मीडियम टू लो सेटिंग पे गेमिंग कर पाओगे। और इसके डिस्प्ले पे आए तो आपको इसमें 6.4 इंचेस की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई, जिस पे काम करती है 90Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 1000 nits की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है। आई डोंट थिंक सो कि मल्टीमीडिया लवर्स को इसके डिस्प्ले से कोई भी इशू होने वाला है। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इसके 6122 वेरिएंट को 15,000 के अंदर बाय कर पाओगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। और कभी कभी इस फोन का प्राइस 15,000 के ऊपर भी चला जाता है, तो आप सेल का वेट करके इस फोन को 15,000 के अंदर बाय कर पाओगे। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है इन्फिनिक्स 20 0। 15,000 के अंदर काफी सारे फोन है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेटअप मिल जाएगा, बट इस प्राइस पॉइंट के अंदर में ये 60 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर के साथ आने वाला एक लौता फोन है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले इसके कुछ बेसिक फीचर्स और बॉडी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका बैक प्लास्टिक की बॉडी का बना है, बट इसके साइड में आपको मेटल का फ्रेम दिया गया है। और इसका वेट 200 ग्राम है, और डिजाइन के मामले में यह फोन दिखने में काफी स्टाइलिश और आई कैचिंग लगता है। और इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है, और आपको इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया गया है, और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई, जिस पे काम करते हैं 90Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 180Hz का टच स्नैपिंग रेट और 1000 nits की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। यदि आपको बिग डिस्प्ले में मल्टीमीडिया वॉच करना ज्यादा पसंद है, तो इस फोन का डिस्प्ले आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इसके चिपसेट की बात करें तो आपको इसमें हेलियो G99 का गेमिंग चिपसेट दिया गया, जिसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच के मिल जाएगी। और ये प्रोसेसर 6 NM पे बेस्ड है, जिसका एंथ्री स्कोर 3,70,000 के नियर देखने को मिल जाता है। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 4,500 mAh की बैटरी दी गई है, और ये डिवाइस 45W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, जो इस डिवाइस को 1 घंटा के अंदर फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें HM6 का कैमरा सेंसर लगा है, और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। और सामने की ओर आपको 60 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है, और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 2K 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इसके मेन कैमरा में सैमसंग का सेंसर लगा है, जो आपको डेलाइट एज वेल नेट में भी अच्छी डिटेलिंग के साथ पिक्चर्स और वीडियो निकाल के दे देता है, और इसकी सेल्फी भी काफी अच्छी काम करती है, जो स्किन टोन को अच्छे से कैप्चर कर लेती है। तो कैमरा वाइज ये फोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 8128 का एक्चुअल प्राइस 16,000 पड़ता है, लेकिन बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 15,000 पे बाय कर पाओगे।